कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने आज नसरुल्लागंज क्षेत्र के एक दर्जन के करीब ग्रामों का दौरा कर ग्रामीण व क्षेत्रों में रह रहे मजदूरों की भोजन व्यवस्था का जायजा लिया एवं कोरोना जैसी महामारी से बचाव के सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने पंचायत के सरपंच सचिवों से आवश्यक जानकारी ली। नसरुल्लागंज ब्लॉक की एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत में घूमकर कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपचारों का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील की। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ अरुण विश्वकर्मा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना से हम जंग जीत रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण यह है। अभी तक सीहोर जिले में पॉजिटिव नहीं पाएगा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी, जो नेगेटिव आई है। संवाददाता नसरुल्लागंज पवन माहेश्वरी। वजन नहीं दे रहा था कि उसके लालच में बात करने उसके बाद भी अगर मानवता के तौर पे उसके बाद भी लोगों में दिक्कत। भाई साहब आप मान लो यार, दादा मेरी बात समझा सकता है यार। फिर भी मानवता के तौर पे अपन क्या व्यवस्था कर सकते हैं। जितने भी सैंपल अभी तक सीहोर जिले से गए हैं उसमें कोई भी पॉजिटिव निकल के नहीं आया आज तक की डेट में। कुछ सैंपल जो हैं वो अभी टेस्टिंग के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं, पर जिनका भी टेस्ट आया है वो नेगेटिव आया है। सीहोर हमारा सुरक्षित है और प्रशासन यही बात कर रहा है कि जितना भी आदमी बाहर से आया उसका शत प्रतिशत जाँच हो जाए। पहले चरण में सब लोगों की शत प्रतिशत जाँच हो गई है और इसको दूसरे चरण में जाँच भी हम पर चालू कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि जो लॉकडाउन की जो मंशा है उसके ऊपर बने रहें और अपना ज़िला सुरक्षित रहें।